हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इस टॉपिक को आज हमने कवर किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं वीरेन, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, 53 टाइगर रिजर्व। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, हैज़ बिकम दी 53 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 53 टाइगर रिजर्व अभी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है, लोकेटेड है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? वर्तमान में विश्व के बाघों की संख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन फाउंड इंडिया। तो 70% जो टाइगर हैं उसकी पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? इंडिया में मिलती है। अगर बात करें टाइगर की तो टाइगर की जो काउंटिंग है वो कितने साल में होती है? तो एवरी फोर ईयर में टाइगर की काउंटिंग की जाती है और लास्ट जो काउंटिंग हुई थी वो हुई थी 2018 में। ठीक है, 2018 की काउंटिंग है। इंडिया हैज़ अ टोटल 2,967 टाइगर्स। तो इंडिया में 2,967 टाइगर है। मोस्ट टाइगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो है मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर। एंड सेकेंड नंबर पर आता है हमारा कर्नाटका, जहाँ पे 524 टाइगर है। एंड थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड, यहाँ पे हैं 442 टाइगर्स। टाइगर स्टेट की बात कर लेते हैं तो टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, 1973। द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1973 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्लाइन द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। जो बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी उसके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में। इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जो टाइगर रिजर्व बना था वो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व लोकेटेड है उत्तराखंड में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश दिसंबर 2005। तो दिसंबर 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। तो टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। और इसका जो उद्देश्य था वो था, किसके लिए बनाया गया था इसे? तो टाइगर जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके प्रबंधन के लिए इसे बनाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें, 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरपर्सन होते हैं इसके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो कि हैं भूपेंद्र यादव। देयर आर 53 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कैलाश साकला वॉज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? ये थे कैलाश साकला। ही वॉज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो कैलाश साकला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day, Tiger Day celebrated? Right answer is option number C, 29th of July. तो 29th of July को मनाया जाता है International Tiger Day। और क्यों मनाया जाता है? तो 29 जुलाई 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक एग्रीमेंट होता है जो कि किसके लिए होता है? तो सबमिट होता है दुनिया भर में जो बाघ हैं या फिर टाइगर हैं उनकी जो घटती संख्या है उसके संदर्भ में एक एग्रीमेंट होता है। तो इसीलिए बनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे 29th ऑफ जुलाई को।
साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। तो पैंथरा टाइग्रिस कहा जाता है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है और राजा जी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे लोकेटेड है देहरादून में, उत्तराखंड में। लोकेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे है आपका राजा जी टाइगर रिजर्व जो कि देहरादून में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व। द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व है अभी टोटल इंडिया में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। दिस इज़ द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है एंड रानीपुर टाइगर रिजर्व है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है दुधवा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे आपको लिखेगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये फोर टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सुंदरवन टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व एंड बोक्सा टाइगर रिजर्व ये दोनों ही लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व और यहाँ पे आपकी लोकेशन है बोक्सा टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सतकोशिया टाइगर रिजर्व। लोकेशन एक बार देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व और यहाँ पे आपको दिखेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा के मैप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे लोकेशन देखेंगे हम तो फर्स्ट है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसके बाद आता है संजय टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आपको पन्ना टाइगर रिजर्व दिखेगा और यहाँ पे है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पे सतपुड़ा है और यहाँ पे है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं जो कि मध्य प्रदेश में रिलेटेड है और मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है टाइगर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व सह्याद्री। इसके बाद बात करें अगर हम महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के जो फेमस टाइगर रिजर्व हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवे गांव टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व की लोकेशन एक बार देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको दिखेगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी घाट में है, तो वेस्टर्न घाट में आपको दिखेगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आपको दिखेगा बोर टाइगर रिजर्व, जो बोर टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, और यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर लोकेशन दिखेगी आपको तडोबा टाइगर रिजर्व की, यहाँ पर नवे गांव टाइगर रिजर्व है। तो ये टाइगर रिजर्व आपको दिखेंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और ये नेशनल पार्क बना था 1981 में और टाइगर रिजर्व इसे 1983 में बनाया गया था। लोकेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व और यहाँ पे दिखेगा अचन कमार टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, इंद्रावती और अचन कमार टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, असम। असम की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको,
तो मानस टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरंग है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखेगी ओरंग टाइगर रिजर्व की, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है फ्रेंड्स। और मानस टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे है नामेरी टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं जो कि लोकेटेड है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पाके टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश, टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, कामलिंग टाइगर रिजर्व है एंड पाके टाइगर रिजर्व है। लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन देखेगी पाके टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे है कामलिंग टाइगर रिजर्व और यहाँ पे है आपका नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो ये है मिजोरम का मैप, आपको दिखेगा यहाँ पे लोकेशन और यहाँ पे दिख जाएगा आपको डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो यहाँ पे आपको बिहार की लोकेशन दिख जाएगी और यहाँ पे है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे आपको बिहार की लोकेशन दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो इसका नाम भी बहुत लंबा है इसीलिए ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और ये सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अगर बात करें कौन से तो सिचुएटेड है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सॉरी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। और कहाँ पे है तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में सिचुएटेड है और कवर करता है, ये सेवरेट करता है 5 डिस्ट्रिक्ट को। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं? तो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आता है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इसमें सेपरेट करता है, ये कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। लोकेशन एक बार देखेंगे कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगी फ्रेंड्स नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो यहाँ पे झारखंड में आपको दिख जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व का लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट दी अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के अमराबाद है और कवल टाइगर रिजर्व है, ये दोनों ही लोकेटेड हैं तेलंगाना में। लोकेशन एक बार देखेंगे तो लोकेशन यहाँ पे आप दिख जाएगी आपको, तो कवल टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे है अमराबाद टाइगर रिजर्व और ये है कैपिटल हैदराबाद। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और कवल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ई का राइट आंसर रहेगा केरला। तो केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व एंड पेराविकुलम टाइगर रिजर्व, दोनों की लोकेशन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेरियार टाइगर रिजर्व दिखेगा, सॉरी पेराविकुलम टाइगर रिजर्व दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व एंड पेराविकुलम टाइगर रिजर्व ये दोनों ही लोकेटेड है केरला स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसने टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड जीता था अभी 2022 में। दिस अवार्ड इज गिवन ऑन द डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर। तो टाइगर की जो नंबरिंग है उसको डबल करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, जहाँ पे जिस टाइगर रिजर्व में ये नंबरिंग डबल होती है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। तो टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड है
जो दिया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2022 में। टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व जो है वो है कलाकर मुनंथुराई टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है श्री विल्ली फुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये दोनों ही तमिलनाडु में लोकेटेड है। लास्ट टाइम जो मेरी नेशनल पार्क की वीडियो थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया था कर्नाटका में, वो कर्नाटका को आप रॉन्ग कर दीजिएगा। ये जो मधुमलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन कौन कौन सी लोकेशन है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, नेक्स्ट है हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको दिखेगा कलाकड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे आपको दिखेगा श्री विल्ली फुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे है हमारा मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व ये आपको याद रखना है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में ये नहीं है, ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, नेशनल पार्क तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, इसके बाद है डंडेली और अंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसके बाद लास्ट जो है बिल्लीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। लोकेशन एक बार देखेंगे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसके बाद नेक्स्ट है डंडेली टाइगर रिजर्व, तो डंडेली और अंसी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर है भद्रा टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और ये है हमारा बिल्लीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये पाँच टाइगर रिजर्व हैं जो कि कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। द टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है, और रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व है। तो रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व जो है वो 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कहाँ लोकेटेड है, ये बूंदी राजस्थान में लोकेटेड है। लोकेशन यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट जो है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व की लोकेशन है, यहीं पे आपको दिखेगा रामगढ़ बिजधारी जो कि 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे आपको दिखेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो ये फोर्थ टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान से याद रखने हैं, राजस्थान से रिलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए आज का, भारत का 53 टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।